नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। यार इतने सारे वीडियो, हालांकि मैं मुझे तो भाई इतना लोग कहाँ देखते हैं, लेकिन हर उस इंसान को जो लोग दुबई रहते हैं, या हाँ दुबई का ही है भाई, 90% लोग दुबई से गोल्ड लेके आते हैं, बाकी 10% में और कंट्री आती हैं। क्योंकि जितनी भी न्यूज़ हैं कहीं भी आप देख सकते हैं, सिर्फ दुबई दुबई गोल्ड लाते हुए पकड़ा गया। जी हाँ, आज मैं खुद चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ें, लाइव पढ़ें कि यार कितना ही आप लोगों को समझा दे, जो गोल्ड लेके आते हैं ना 100% पता होता है कि एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। गोविंदा की पिक्चर देखी होगी, शायद उसी की है। दिल है कि मानता नहीं चोरी करने के लिए, चोरी किस चीज़ की, टैक्स की। जी हाँ, हालांकि देखिए गोल्ड लेके आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, मुकदमा लग गया, पुलिस ने जांच करी, अखबार में आ गया, लेकिन परिवार को भी इतनी फील नहीं होती है यार। और वही अगर दारू की, शराब की तस्करी पकड़ते, चोरी करते हुए, तस्करी करते हुए पकड़ा जाए ना, तो ले भाई वो तो दारू का धंधा करता है, फर्क क्या हुआ भाई। गोल्ड की तस्करी इंपोर्टेंट, वो देखिए कि तस्करी किस चीज की है, तस्करी गोल्ड की है, तस्करी शराब दारू की है, सेम ही कंडीशन है ना। लेकिन सोने वाले में घर वाले फख्र करते हैं, हमारा बेटा दारू सोना लेके आ रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, कोई बात नहीं, और हमारा बेटा दारू बेच रहा था, उसमें दिक्कत आ जाती है। जी हाँ, आप लाइव देखिए, आप पढ़िए साथ साथ में, ताकि आपको पता लगे कि जानबूझ के ये केस जानबूझ के हुआ है। जानबूझ के इसलिए हुआ है कि ये बंदा दुबई में ड्राइवरी का जॉब करता था, राजस्थान चूरू जिले का है भाई, सुजानगढ़ तहसील का। एक महीने के बाद बंदे की शादी होनी थी, आप बताओ जी, पकड़ा गया। अब ये उसको छोड़ दिया, क्योंकि 20 लाख से नीचे गोल्ड होता है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन गोल्ड रख लिया ना। देखिए आप पढ़िए, आप पहले आप पढ़िए, पूरा देखिएगा भाई, देख सकते हैं। तस्करी ऊपर से शुरुआत करते हैं, 20 ग्राम सोने के 2 बिस्कुट लाया, मार्केट वैल्यू 20 लाख से कम होने के चक्कर में तस्करी को पूछताछ के बाद तस्कर को छोड़ दिया गया, सोना जब्त कर लिया गया। ये देखिए भाई, सोना जब्त हो गया बंदे का। अपनी शादी के लिए दुबई से 10 लाख का काली मिर्च में छिपाकर लाया, चूरू का व्यूक एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। आप देखिए ये गोल्ड है, दुबई में ड्राइवर का बंदा जॉब कर रहा था, 1 माह के बाद में शादी है, 10 लाख 9 लाख रुपए का गोल्ड है मेरे भाई। कितनी मेहनत से आपने ये गोल्ड का पैसा जोड़ जोड़ के कमाया था, एयरपोर्ट वालों ने जब्त कर लिया, सिर्फ और सिर्फ बता दूं थोड़े से 10% टैक्स के चक्कर में। क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें देखो ये गोल्ड का जो बिस्किट टाइप का दिख रहा है, अगर ये आप लेके आते हैं तो 10% आपको टैक्स देना होता है। अगर 10 लाख का गोल्ड होता, ये 9 लाख के करीब गोल्ड है, 90,000 के चक्कर में 9 लाख रुपये बंदे ने गंवा दिए, अखबार में सब जगह आ गई और बेइज्जती हो गई, वो एक अलग से देख सकते हैं। ये देखिए 200 ग्राम का गोल्ड बंदे ने पकड़ा है, सुजानगढ़, देखिए राजस्थान चूरू जिले का बंदा है, सोना तस्करी में पकड़ा, नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अब्दुल नाम, 28 उम्र है बच्चे की, दुबई से में ड्राइवरी का है, जयपुर आकर लौटा था, बताओ 30 दिन में दूसरी कार्रवाई है। 16 नवंबर को भी 76 लाख रुपए का गोल्ड पकड़ा गया था, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। ये स्थिति है सेकावटी में, देख लो भाई, सेकावटी में तस्करी से आता है 200 करोड़ रुपए का सोना, एक साल में 200 करोड़ रुपए का सेकावटी। और सेकावटी में बता दूं किनको बोलते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन तीनों को सेकावटी का बेल्ट बोला जाता है, जो 60-70 किलोमीटर के एरिया में आता है। जी हाँ, 8 तस्कर हैं इंडिया यहाँ पे, वो ये बिजनेस करते हैं, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। अब नीचे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, तस्कर खाड़ी देशों में मजदूरी करने वाले ऐसी श्रमिकों को, बाजारों बेरोजगारों को फंसाते हैं जो शॉर्टकट से रुपया कमाना चाहते हैं। तस्कर इन्हें आने जाने का टिकट, वीजा और 30 से 50 हज़ार रुपये का लालच देते हैं, हर बार माल लाने के लिए व्यूक को कोरियर के तौर पर भेजते हैं। यानी इस बंदे को भी हो सकता है ये गोल्ड इसका ना हो, लेकिन इसने बोला शादी में मैं लेके आ रहा था, शादी है मेरी, तो इसको मान लेते हैं गोल्ड थोड़ा था। लेकिन ये सच्चाई है कि आप जैसे नौजवान नए लड़के होते हैं जिनको फ्री पॉकेट में देश भी घूम लें और पैसा भी आ जाए, ऐसे लोगों को ये कोरियर की तरह यूज लेते हैं और उनको हर बार फंसा देते हैं, मुकदमा लगे तो इनको लगता है सोना चला जाता है। कस्टम को धोखा देने के लिए तस्करी के नए नए तरीके देख लो भाई, पेंट में डबल सिलाई छिपाकर लाए 450 ग्राम का गोल्ड, अंडरवेयर की इलास्टिक में लाया गया सोना, साड़ी में सोने के धागे से वर्क कराकर लाए सोना। सुनीता नाम की एक लड़की थी, उसने ये काम कर लिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं जूते के सोल के अंदर लाए थे सोने के 18 बिस्कुट, अफगानिस्तान के 2 बंदे थे जिनको पकड़ा था जयपुर में, टॉयलेट में छिपाकर लाए 3 किलो सोना, टॉयलेट, आप समझ सकते हैं भाई, मस्कत से ये बंदा आया था। तो ये इसलिए बताना जरूरी है कि यार प्रैक्टिकल देखिए सबूत के साथ में, आप कितना ही माइंड लगा रहे हैं लेकिन आप एक बार थोड़ा सा सोच लो, 99% आप निकल गए, 1% में फंस गए ना, तो भाई क्या दिक्कत आएगी। अब सोना जब्त हो गया यार, कितनी बड़ी बात है। अब ये बंदा काली मिर्च, यानी प्लानिंग तो थी इसकी, इज्जत, इसको अगर साहूकारी से लाता तो सामने लाता, एयरपोर्ट पर टैक्स देता,
समझ रहे हैं बात को, डिक्लेरेशन फॉर्म में क्लियर करता कि मेरे पास 9 लाख का सोना है, उसका टैक्स मैं भरूंगा, तो ये दिक्कत नहीं आती। ये 90,000 बचाने का ही तो चक्कर था ना, काली मिर्चों के अंदर डाल के पे करके स्कैनिंग फिर भी इनको पकड़ लिया, कैच कर लिया, आ जाओ जी साइड में। तो भाई मेरे बचे हैं, बचे इन चीजों से। अगर आप बिस्किट लेके आ रहे 10% टैक्स लगेगा आपका, देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो ये स्थिति हो सकती है। अब ये ड्राइवरी का जॉब कर रहा था तो आप समझ सकते हैं ड्राइवरी कितना पैसा कमा रहा होगा, 30-40-50,000 रुपये कमा रहा होगा। 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का गोल्ड गया, 10 तो ये गया। अब शादी करेगा तो अभी उसको और जरूरत पड़ेगी, तो इतने ही गोल्ड और खरीदो, और अखबार में ये वो क्या है ये। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लालच करेंगे तो आप ही फंसेंगे, दूसरा नहीं फंसेगा। बस ये अपडेट देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।